आज हम लोग टेंस सीखेंगे। टेंस, टेंस क्या है? द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूप को ही टेंस कहते हैं। कहेंगे कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूप को ही टेंस कहते हैं। और आपको पता है कि क्रिया का रूप V1, V2, V3, V4 और V5, यानी इन्हीं को टेंस कहते हैं। उलझेंगे नहीं हम यहां, क्योंकि इस पर उलझेंगे तो यही 2-3 घंटे की क्लास है। हम आगे बढ़ते हैं टेंस के तरफ, यानी आप समझ गए कि क्रिया के रूप को ही टेंस कहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैं कहूं कि ही प्लेज क्रिकेट, दूसरा कहूं कि ही प्लेड क्रिकेट, तीसरा कहूं आई प्ले क्रिकेट, यही ध्यान देते हैं। तो ए भी वन है, ए भी टू है और ए भी फाइव है। यही क्रिया के रूप है और ए टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है, ये भी प्रेजेंट है। आपने देखा कि भी वन और भी फाइव प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, लेकिन भी टू पास्ट टेंस बनाता है। अगर इधर बढ़ेंगे तो हम लोग फंसेंगे, टाइम बर्बाद होगा, वेस्ट होगा, क्योंकि ये अलग एक क्लास होता है, इसीलिए उस पर विचार अभी मैं नहीं करूंगा। मैं जहां आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए वहां चलते हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। तुरंत यानी बहुत जल्दी हम लोग टेंस के भेद को यहां सीख लेंगे। आपको पता है कि टेंस प्रेजेंट होता है, टेंस जो होता है वो पास्ट होता है, और एक जो होता है वो फ्यूचर होता है। वैसे फ्यूचर तो टेंस है नहीं, तो बात करेंगे तो फिर फंसेंगे, इसीलिए हम उधर नहीं जा रहा है, अलग उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, उसमें अंतर समझेंगे। आइए इसको यहां देखते हैं। अब आपको भी ये भी पता है कि इन सबके ये क्या बताता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान की अवस्था बताता है, ये पास्ट भूतकाल यानी बीते हुए समय की अवस्था बताता है, और फ्यूचर आने वाले समय की अवस्था को बताता है। आगे मैं जो बताने जा रहा हूं वो देखेंगे। यानी अब मैं बात करूं प्रेजेंट की, चाहे बात करूं मैं सबकी, तो सबके चार चार भेद होते हैं, जो आपसे आप सभी आराम से जानते हैं। क्या होता है? एक होता है सिंपल, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर। दूसरा होता है कंटीन्यूअस, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सबका होता है चार चार। यहां तक मैं आपको तुरंत इसलिए लाया कि समय नहीं बर्बाद करना है, हमें बहुत कुछ सीखना है। अब मैं एक एक की बात करते चलूंगा,
और यहां समझने की जरूरत है। चलिए आज लाइट का प्रॉब्लम है बोर्ड पर, समझ पा रहे होंगे आप लोग। आज मैं अभी आपको पहले ले चल रहा हूं प्रेजेंट सिंपल में, यानी पहला जो होता है प्रेजेंट सिंपल, चाहे सिंपल प्रेजेंट है ना, ये है प्रेजेंट सिंपल। मन कर टेंस जोड़ लो, चूंकि टेंस पढ़ रहे हैं बेहतर। चलिए अभी क्या होता है, ज्यादा पहचान पहचान पर भागना नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। इसमें मैं एरो देकर एक चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। इसमें आएगा या V1 या V5। अब ये देखना है कि कहां क्या आएगा। तो पहला चीज देखते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी फाइव आएगा। दूसरा यहां ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो भी वन आएगा। ये स्ट्रक्चर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। ये सब आप पहले से भी जानते हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं होता है। अब मैं यहां जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से देखना है। अब यहां मैं एक एक स्टार करके आपको बताते जाऊंगा, यहां आप लिखते जाएंगे। पहला स्टार में क्या लिखा, यही रूल है, इसी रूल को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन बनेगा। आप अब बच्चे नहीं है कि आपको मैं जिस तरह से 6, 7, 10 में पढ़ाया जाता है उस तरह से पढ़ाऊं। मैं थोड़ा हटके पढ़ा रहा हूं ताकि आप कंसेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को बनाइए। मुझे बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन डील करना है, तो बड़े एग्जामों में क्वेश्चन डील करने के लिए थोड़ा हटकर पढ़ना होता है। क्लियर, ये बात कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया होगा। पहला प्रेजेंट लिखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग केवल वर्तमान के लिए ही नहीं किया जाता है, केवल वर्तमान के लिए ही नहीं किया जाता। ठीक है, यह उन क्रियाओं को व्यक्त करता है, यह उन क्रियाओं को व्यक्त करता है जो परमानेंटली होती हैं। पहला स्तर में आपने ये देखा, दूसरा स्तर में देखेंगे, यही चीज मेन है, इसी को सीखना है। दूसरा स्तर कहता है इनमें
इनमें यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत भी आता है, भी आता है। प्रिंसिपल कैसे है? जैसे मैं कहूं कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सिद्धांत है। या मैं कहूं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये क्या है? सिद्धांत है, याद रखना है। तीसरा क्या कह रहा है इसके साथ, ये ध्यान देना है। तीसरा कह रहा है इसका कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेरा एडवर्ब का वीडियो देखेंगे आपको उसमें पता चलेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑफन, सेल्डम, ऑफन, सेल्डम, सम टाइम्स, यूजुअली, जनरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ओकेजियोनली, ओकेजनली डबल एल होता है, सॉरी, ओकेजनली, एवरीडे, एवरी डे, है कि नहीं, मॉर्निंग इटीसी कर देते हैं, डेली इटीसी, यानी ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। किसी रेगुलर क्रियाकलाप को व्यक्त करते हैं, ये क्या करते हैं, किसी रेगुलर क्रिया कलाप को व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखना है, ये क्या करते हैं, किसी रेगुलर क्रियाकलाप को व्यक्त करते हैं। अतः इनमें से किसी का प्रयोग हुआ हो, किसी वाक्य में कहेंगे कि अतः इनमें से किसी का प्रयोग हुआ हो तो भी वन या भी फाइव आता है, यह ध्यान देना है कि इसमें से किसी का भी अगर हम प्रयोग देख ले किसी वाक्य में तो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, भी वन या भी फाइव आता है। इस बात को गांठ रख लेना है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाऊंगा क्योंकि जगह का अभाव है, फिर आगे कुछ लिखना है। एक नोट तैयार कीजिए, ये नोट है, थोड़ा विशेष है। क्यों विशेष है कि ऑलवेज या नेवर ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी इसमें नहीं लिखा क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग बताना था। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ अलवेज या नेवर के साथ
ध्यान देना है। क्या लगता है भी V1 या V5 ये तो आना ही है, ये तो आना ही है ना। या फिर हैज हैव या है प्लस V3 लगता है, लेकिन किन के साथ? ऑलवेज और नेवर। यही बात ध्यान रखना है। एक दिन उदाहरण यहां दे दिया जाए क्या, जैसे रवि हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन। मैं कहूं कि रवि हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन। एक और वाक्य देखते हैं, मैं कहूं कि रवि ऑलवेज कम्स, रवि ऑलवेज कम्स हेयर। यहां कम्स आ गया, यहां भी आ गया। ध्यान देना खाली क्या आ रहा है। आई नेवर मिस माई मॉर्निंग क्लास। मैं अपना मॉर्निंग क्लास कभी मिस नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। आई हैव नेवर सीन द गोल घर। अब यहां सीन आ गया निर्भर के साथ। मैं वही बता रहा था कि इनके साथ या तो भी वन आएगा, भी फाइव आएगा, या है के साथ क्या लगा देंगे हम लोग V3। इस बात को आपको समझ में, या मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको भी कर नोट था, उसके बाद स्टार देकर लिखता हूं। लिख रहे हैं कि यदि ऑलवेज युक्त वाक्य से, यदि ऑलवेज युक्त वाक्य से, यानी जिसमें ऑलवेज लगा हो और उस वाक्य से क्या हो, हैबिचुअल एक्शन का पता चले। हैबिचुअल एक्शन का पता चले, हैबिचुअल एक्शन का पता चले। चलता है लिखना है, सॉरी चलता है। क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन का पता चलता है। जैसे ही ऑलवेज गोज ऑन वॉक, ही ऑलवेज गोज ऑन वॉक, ही ऑलवेज गोज
ऑन वॉक आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर यानी डिनर के बाद वह हमेशा कहां जाता है टहलने। ध्यान देखो ऑलवेज के बाद भी फाइव आया ना, और इससे क्या पता चल रहा है कि यह इसकी आदत है कि यह रोज क्या करता है डिनर करने के बाद टहलने जाता है। आइए नंबर टू, मैं अब बता रहा हूं कि यदि अलवेज युक्त वाक से यदि अलवेज युक्त वाक्य से यदि अलवेज युक्त वाक्य से क्रिया के प्रति बोलने वाले, क्रिया के प्रति बोलने वाले का हीज इरिटेशन, हीज मतलब इरिटेशन, इरिटेशन का बोध हो चाहे दिखे, इरिटेशन दिखता हो दिखता हो तो। अब यहां है कि इरिटेशन दिखता हो, यहां वाक हो अलवेज युक्त यानी अलवेज लगा हो लेकिन उसमें जो वक्ता है वो क्रिया के प्रति इरिटेशन दिखा रहा हो यानी उसके प्रति उसको खींच हो, कोई ना कोई खींच उसको दिखा रहा हो, तब क्रिया का कौन सा रूप आएगा तो ध्यान देना है वहां इज एम आर प्लस बी फोर आता है, आता है यानी आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब यहां क्या आएगा क्रिया के साथ इज एम आर लगाकर बी फोर लगाएंगे यानी कंटिन्यूअस में इसको लेकर चलेंगे, यानी अगर हम यहाँ भी वन या भी फाइव या फिर हैज हैव हैड के साथ भी थ्री लगा देते हैं अलवेज में तो वो बात क्या हो जाएगा एरर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई, इस बात को हमेशा याद रखना है। जैसे मैं कहूं ही इज अलवेज, ही इज अलवेज, अब मैं कहूं डिमांड, He is always demands money. वह हमेशा ही पैसा मांगता है, ये क्या है खीज है कि नहीं, तो जब खीज है तो ये बात क्या हो गया हमको बताएंगे ये गलत हो गया, तो ये कैसे बनेगा He is always demanding money, ये बात ऐसे करना ये हमेशा याद रखना है। ये एरर बड़ा पूछता है और इस एरर में हम फंस जाते हैं क्योंकि उस समय आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आता है एग्जाम का, लेकिन ये अगर मेरा ज्यादा नहीं जितना मैं बता रहा हूं उसको दो तीन बार पढ़िए और उसके बाद मैं क्वेश्चन खुद करवाऊंगा, जो टॉप क्लास के क्वेश्चन है वो सब करवाऊंगा और बनते चला जाएगा। अब एक और बात, ही अलवेज, ही अलवेज टॉकिंग, ही अलवेज टॉकिंग चाहे टॉक्स करो, ही अलवेज टॉक्स घबराने की जरूरत नहीं है, ही अलवेज टॉक्स अबाउट अबाउट हिज वर्क,
अबाउट हिज वर्क, व्हेन एवर वी मीट, यहां नो ईदर हमेशा इसको डी कर देते हैं, ठीक है, और इसको सी करते हैं और इसको ई करते हैं और इसको डी कर ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज वर्क व्हेन एवर वी मीट, यानी वो हमेशा ही अपनी ही बात करता है, अपने काम का ही बात करता है जब हम मिलते हैं। तो खी जा रहा है किसी में, तो जब खी जा रहा है तो ये गलत हो गया, ये आंसर होगा ए पार्ट, और आंसर क्या होगा, होगा इज ऑलवेज टॉकिंग, ए होगा। अगर इस मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे हो तो देख लीजिए, तभी जाकर आपसे एरर के क्वेश्चन बन पाएंगे, अन्यथा एरर का क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है। वैसे कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बस जो मैं पॉइंट दे रहा हूं उस पॉइंट पर आपको गौर करना है और थोड़ा पढ़ना है। पढ़े सब है बहुत अलग अलग ढंग से, पढ़ाने का अपना अपना अलग ढंग होता है, लेकिन मैं इजी कर रहा हूं इसलिए ताकि बड़े बड़े एग्जामों में जो बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि था कहां से, यानी किस पार्ट ऑफ स्पीच का दिया हुआ क्वेश्चन था, तो ये पॉइंट अगर याद रहेगा तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि ओ ये तो टेंस का क्वेश्चन है और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। आगे एक और स्टार लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रोमिस सजेस्ट, प्रोमिस सजेस्ट, प्रोमिस सजेस्ट अपोलोजीज एडवाइस, एडवाइस insist, insist, agree, insist, agree, refuse, yadi, present में आते हैं, यानी ये सब किस में आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, तो भीवर या भी फाइव, भीवन या भी फाइव ही लेंगे, भीवन या भी फाइव ही लगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे समझ लीजिए इसको, आई एम प्रोमिसिंग, आई एम प्रोमिसिंग दैट I shall come yesterday. क्या कहा कि आई एम प्रोमिसिंग दैट आई शैल कम टू द पार्टी, करो
टू द पार्टी। ध्यान दें, यहां ये क्या कह रहा है, प्रोमिस कर रहा है, यानी कि वादा कर रहा है। तो ये क्या है, प्रोमिस और प्रोमिसिंग ये गलत है। यहां आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा आई प्रोमिस दैट। बात को समझ गए, दूसरा क्वेश्चन समझ गए। अब यहां से मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो तीन चार क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आपसे किसी भी प्रकार का सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी। जैसे आई एम श्योरी एक क्वेश्चन है कि आई एम श्योरी, एक क्वेश्चन एनडीए का है। आई एम सॉरी बट, आई एम सॉरी बट डोंट बी लीव, डोंट बिलीव व्हाट यू से, व्हाट यू से एक क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है। कहां का है, एनडीए का क्वेश्चन है। आप पूछा किसमें है, तो ये कर दिया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। पहला ऑप्शन दिया है आई विल नॉट बिलीव, आई विल नॉट बी लीव। दूसरा है बी नंबर, पहला तो देख लिए, दूसरा है आई एम नॉट बिलीविंग, आई एम नॉट बी लीविंग। और सी नंबर में है आई विल नॉट बी बिलीविंग, आई विल नॉट बी लीविंग। और डी हमेशा की तरह है नो एम प्रू। क्वेश्चन हमको समझना है और बनाना है। तो देखिए, आई एम श्योरी बट आई डोंट बिलीव, डोंट के साथ गलती है क्या, नहीं है। सेंटेंस में आप जाइए, वाक में जाइए और देखिए वहां क्या बताया गया है, डू के साथ, डोंट के साथ क्या किया गया है। तो यहाँ ये वाक नो इम्प्रूवमेंट में है। किसमें है, नो इम्प्रूवमेंट में। अब जितना दिया जाएगा क्वेश्चन, जरूरी नहीं हो कि सब में इम्प्रूवमेंट ही हो। तो ये देखिए किस तरह से कुछ दिया है एनडीए में, और गलत सलत करके चले आएंगे अगर आपको पकड़ नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बातों को। तो आइए दूसरा एक ये है, आई एस में पूछा है द रूल्स ऑफ चेस, द रूल, द रूल्स ऑफ चेस, चेस का जो रूल होता है, रिक्वायर्ड दैट, रिक्वायर्ड दैट, रिक्वायर्ड दैट वन मेड, वन मेड, ऐसी को अंडरलाइन किया है, ओनली वन मूव, ओनली वन मूव, ओनली वन मूव एट अ टाइम, एट अ टाइम। ध्यान से देखना है और ऑप्शन में क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। पहला है मैक्स, ऑप्शन बी में क्या दिया है विल मेक, विल मेक। और तीसरा क्या है, अगर तीसरा दिया है सिर्फ मेक, और डी दिया है हमेशा की तरह नो इम प्रूव, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन कहाँ का है, क्वेश्चन है आई ई एस,
एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो द रूल ऑफ द चीज रिक्वायर, बाबू ये क्या है, सिद्धांत हो गया कि नहीं? सिद्धांत में आपको या तो V1 लगाना है या V5, दूसरा नहीं लगाना है। अब निर्णय लेना है कि ये जो मेट दिया है वो मेट में होगा या मैक्स में। तो आपको देखना है कि ये रूल जो है, खेल जो है, सिंगल होता है, इसीलिए केवल मेट होगा न कि मेट होगा, है कि नहीं? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि Usually we never go, यही दिया है, to a school on Sunday। ये क्वेश्चन है और यह भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है उसको फॉलो करते हैं। पहला दिया है आर नॉट गोइंग। दूसरा दिया है कांट गो। सी दिया है डू नॉट गो, और डी दिया है नो इम्प्रूवमेंट। गौर से देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि नेवर के साथ क्या लगाएंगे, तो देखिए नेवर के साथ V1 या V5 लगता है, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए अब बात करेंगे तो डू नॉट पर ही ना बनता है नेगेटिव, इसका नेगेटिव किस पर बनता है, सिंपल का तो निगेटिव इस पर बनता है, इसलिए आंसर ये होगा, बाकी कुछ यहाँ नहीं होगा। यानी इस बात को समझ रहे हैं, तो ये कमन एरर का क्वेश्चन है, ये भी IAS का ही है, इसको देख लेते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप बनाएंगे 100% बनेगा, बजाते बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो रूल दिए गए हैं उस रूल को फॉलो करना है। क्वेश्चन है कि ही इज गोइंग एवरी डे, इसको ये किया है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इसको बी करते हैं, विद हिज फ्रेंड एंड नेवर। इसको सी करते हैं और नो एरर, ये था डी, ये भी है IAS का क्वेश्चन है। कितना आसान आप समझ गए होंगे, जब एवरी डे आ गया तो मैं आपको बताया था कि एवरी डे के साथ हमेशा V1 या V5, तो इसके साथ V1 आएगा कि V5 आएगा, यानी आंसर क्या होगा, यानी आंसर है ए। और होना क्या चाहिए, तो ही गोज एवरी डे, ए होना। मैं बात को मेरे समझ रहे हैं।